हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइस, जब भी आप यहां पर एपिक गेम लॉन्चर लॉन्च करते हो तो सम टाइम आपको यहां पर ये मैसेज देखने को मिलता है, एपिक गेम लॉन्चर डॉट ई एक्स ई एप्लीकेशन एरर। तो गाइस, ये एरर मैसेज आप कैसे फिक्स कर सकते हो, कैसे ये प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज, हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ मेथड, कुछ तरीके जानेंगे जिनका यूज करने से जो ये एरर आपको आता है वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, पहले मेथड के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक ब्राउजर को लॉन्च कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्राउजर ले लिया है, यहाँ पर आप गूगल सर्च इंजन के अंदर टाइप करोगे विजुअल सी प्लस प्लस, ये वाला रन टाइम आपको ये यहाँ पर प्रॉपर एचडीज आपको टाइप करना है, ठीक है, और कीबोर्ड से प्रेस कर देना है एंटर। तो गाइज यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर ये वाले लिंक पर क्लिक करना है, रन टाइम आपको हमेशा याद रखना है। तो गाइज आपका यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा सेम एचडीज, आपको क्या करना है डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो आ जाएगा, आप यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज का सिलेक्ट कर लीजिए, हम लोग यहाँ पर यूएस ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट ये सर्वर है तो आप कोई भी एक सर्वर सिलेक्ट कर लीजिए, जस्ट आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी सर्वर के ऊपर क्लिक करोगे तो ठीक है, यहाँ पर ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अभी गाइज आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है, क्योंकि ये जिप फाइल था, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए इसको। तो गाइज यहाँ पर एक ये विंडो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको क्लोज करके यहाँ पर ये फोल्डर बना होगा राइट साइड में, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक इंस्टॉल अंडरस्कोर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए इसको, इसको येस कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर जो ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस है, इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं जब तक यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, ओके। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड के अंदर, मतलब सेकंड मेथड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है CMD, ओके, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, कमांड ओपन हो जाएगा आपका, यस कर दीजिए इसको, कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, कमांड टाइप करना है आपको SFC स्पेस लेस स्कैन नाउ और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तो आपको यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर This process will take some time. तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे जब तक यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसके बाद गाइज आपके आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी क्राफ्ट फाइल इसको नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको जस्ट बंद कर देना है इसको। और थर्ड मेथड के अंदर आपको क्या करना है, दिस पीसी के अंदर जाना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है। यहाँ पर गाइज आपको एक विंडोज का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, विंडोज फोल्डर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ये विंडोज फोल्डर पर, ओके। यहाँ पर आप विंडोज फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, System 32, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं System 32 और SysWOW 64 को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर गाइज आपको एक DLL चेक करना है, DLL कौन सा है, यहाँ पर ये वाला DLL, ये यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको, यहाँ पर xi input 1_.dll, ठीक है, यहाँ पर आपको ये DLL मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर तीन DLL हैं, पहले हम लोग इसको ओल्ड कर देंगे, इसको मतलब ये डॉट लगा के ओल्ड कर देना है इसको, या आप डिलीट भी कर सकते हो इसको। यहाँ पर ये वाले को आप रिनेम करने जाओगे तो यहाँ पर ये रिनेम नहीं होगा क्योंकि ये यूज है, तो इसको कंटिन्यू करोगे आप और यस करोगे तो देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक फाइल को रिनेम करेंगे, यहाँ पर ये वाली फाइल को, आपको यही फाइल रिनेम करना है,
ठीक है, या आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। विंडोज फोल्डर के अंदर वापस आ जाइए, सिस्टम 32 के अंदर आपको चले जाना है वापस से, ये सिस्टम 32 सेम एज इट इज, आपको यहाँ पर भी सेम आपको वो DLL फाइंड करना है एक्स इनपुट वाला, और इस पर भी आगे डॉट लगा के ओल्ड लिख दीजिए, ठीक है, और कंटिन्यू कर दीजिए, इसको येस कर दीजिए, ठीक है। इसको रीनेम कर दिया, इसका आइकन भी चेंज हो गया है, इसको बंद कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, फोर्थ मेथड के अंदर वापस से ब्राउज़र के अंदर चले जाना है, यहाँ पर गूगल सर्च इंजन के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक्स एंड यूजर रन टाइम ये आपको सर्च करना है, यहाँ पर ये वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा, कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके अनुसार, ठीक है। डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हो तो ये exe आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ये आपको मिलेगी डाउनलोड फोल्डर के अंदर, जस्ट राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, येस कर दीजिए इसको, इसको एक्सेप्ट करना है, लाइसेंस आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है। ये चेकबॉक्स है जो इसके अंदर, यहाँ पर मिनिमाइज कर देंगे इसको, ये चेकबॉक्स अनचेक कर दीजिए, ओके, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर देना है आपको। यहाँ पर जो आपका इंटरनेट है वो प्रॉपर चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये डाउनलोड करेगा कुछ 83 MB की फाइल को, तो आपको यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही गाइज आपका यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा वो जो पैच है यहाँ पर वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर ये DLL भी कॉपी हो जाएंगे जो भी इसको रिक्वायरमेंट है, इसको फिनिश कर दीजिए, ओके। अभी आपको क्या करना है, डेट और टाइम भी सेट करना है आपको आपके सिस्टम का, अगर डेट और टाइम रॉन्ग रहा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप यहाँ पर जोन सेलेक्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग यूर कंट्री, तो यहाँ पर गाइज आप इसको ऑटोमेटिक को एक बार ऑफ करके ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो आपका सिस्टम है उसका टाइम है वो करेक्ट कर लेना है, सही कर लेना है। अभी आप हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, लॉन्च करके देखेंगे, डबल क्लिक कर दीजिए, तो देखिए गाइज जो हम लोगों को एरर मैसेज आ रहा था पहले वो अभी एरर मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगा, जस्ट आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।